हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, 3:15 बज रहे होंगे। मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है मम्मी के साथ मार्केट। दिया स्कूल से आई थी 12:15 के करीब, तो मैंने उसको लंच वगैरह करा के थोड़ी देर रेस्ट करवा दिया है। धूप हो रही है बाहर बहुत तेज़, लेकिन फिर अगर थोड़ा लेट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। कल की कुछ तैयारी भी करनी है, कल है अष्टमी पूजन यानी कि कन्या पूजन, आज सप्तमी है। काफ़ी ज़्यादा रश भी होगा मार्केट में, अभी जाएंगे ना तो कम मिलेगा, थोड़ा धूप की वजह से लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन मैं तो अभी जाऊँगी बिकॉज शाम को शैंकी को टाइम नहीं रहता, और बच्चे के साथ ना रात के टाइम पर मम्मी के साथ थोड़ा सेफ नहीं रहेगा अकेले अकेले। तो मैं थोड़ी सी पतली लग रही होंगी आप लोगों को बिकॉज मैंने 2 किलो अपना वज़न कम किया है। कैसे किया है, किस तरीके से किया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। अभी थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं बिकॉज मैं जा रही हूँ सदर मार्केट में। तो काजल लगा लूँगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँगी, लिप बाम भी लगाने वाली हूँ मैं। लिप बाम ना सही रहता है गर्मियों में, ज़्यादा ना सही मतलब भड़कीला सा नहीं लगता है, और मैं वैसे भी ज़्यादा तैयार नहीं होती, आप लोगों को पता ही है, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाती हूँ। और दिया अभी तैयार नहीं हुई है, उसको भी मुझको रेडी करना है। मैंने सोचा पहले मैं ही हो जाती हूँ उसके बाद इसको करती हूँ। और मेरी ड्रेसिंग टेबल के पास आप लोग मुझे बहुत कम ही देखते होंगे तैयार होते हुए, बिकॉज़ यहाँ पर मेरा आना नहीं होता अंदर, या तो मैं अलमीरा वाले मिरर में ही देख देख के तैयार हो जाती हूँ। जो मंदिर के पास अलमीरा है मेरी, वो भी काफ़ी बड़ी सी मिरर वाली है, और कभी कभी यहाँ पर आ जाती हूँ जैसे कि आज आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, ये जैसे खोलो, देखो खोलने में और बंद करने में काफी ज्यादा मतलब मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो इसकी प्लाई है ना, मुझे लगता है ये फूल चुकी है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है इसको खोलने में, बंद करने में। ये जो ड्रेसिंग टेबल का पोर्शन है, इसको दीपक ज्यादा यूज करते थे, है मेरा भी कुछ सामान है, जैसे बैंगल्स वगैरह मैंने लगा रखी है अपनी सगाई की, शादी की, उसी टाइम की है। उसके बाद तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी खरीदी है, वो भी 2 या 3 सेट 12-12 के। तो इसमें ज्यादातर सामान दीपक का होता था, मैं ज्यादा यूज भी नहीं करती थी। दीपक इसमें ताला लगा के चाबी अपने साथ ले जाते थे ऑफिस, बहुत जरूरी सामान रखते थे, अपना पर्सनल सामान भी तो ताला लगा के साथ में ले जाते थे। अभी तो थोड़ा बहुत मेरा ही कुछ सामान है, दीपक का भी है, एक्सपायरी डेट हो चुका है जो भी सामान है उनका। और मेरे पास इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी। और एक ये देखो स्ट्रेटनिंग मशीन, ये मैंने राखी के लिए मंगवाई थी, राखी की यहीं पर मतलब वो यूज करती थी, कहीं आना जाना होता था, उसकी सिस्टर वगैरह भी यूज करती थी, तो ये रखी हुई है, दे दूंगी किसी को, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है तो मैं दे दूंगी किसी को। ये मशीन अच्छी है, मेरे को चश्मा चाहिए, दीपक का चश्मा है, देखो धूल धूल हो रखी है। यार ड्रेसिंग टेबल खराब हो गई मेरी। और ये वाला चश्मा पता नहीं मेरा तो नहीं है ये, लेकिन है ये गर्ल्स वाला, और मुझे लगता है ये मेरी देवरानी का हो सकता है, कि ये मुझे मेरे घर में ही मिला था, ये मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरा नहीं है, दोनों ही ऐसे रखे हुए हैं। मैंने जो सामान मुझे चाहिए था वो ले लिया है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरे हाथ में क्या क्या सामान है, चलो घर वाले कमरे में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केट जाने से पहले मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी एक बहुत ही छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से की है। अमेजोन से मैं हमेशा शॉपिंग करती रहती हूँ बिकॉज वहाँ पे चल रही होती है बहुत अच्छी अच्छी सेल, डिस्काउंट मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी डील मिल जाती है, तो मेरा खूब सारा पैसा बच जाता है शॉपिंग करने पर, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट शॉपिंग पे आराम से खुल के फिर लुटा पाती हूँ। तो छोटी सी शॉपिंग मैं फिर से दिखा देती हूँ, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक जो है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मेरा होल स्टोर का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ
पे आपको मेरी और भी शॉपिंग और भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने मंगवाई है ये VLCC की फेशियल किट, सैलून सीरीज फेशियल किट है ये, और स्पेशली गर्मियों के लिए एंटी टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता ही है, बाहर निकलते हैं कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है, ऑफिस जाने वाली लेडीज भी होती है, और शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादियों की शॉपिंग के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, तो टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस किट को यूज़ कर सकते हैं, आपको सिंपल 5 स्टेप मिल जाते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 5 स्टेप मिल जाते हैं, सबके 6 अलग अलग पाउचेस है, तो ये किट आपके काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, फैमिली बड़ी है तो आराम से सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, चाची ताई बुआ सास वगैरह जो भी है आपके घर में सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक VLCC की किट मंगवाई है, साथ ही साथ मैंने अपने भाई के लिए मंगवाया है ये फॉग का डिओड्रेंट जो कि है फ्रेश एरोमेटिक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अभी सब लोग पूछने वाले हैं थोड़े दिनों में आजकल क्या चल रहा है, तो फिर से अब आजकल फॉग चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो चलने वाला है तो मैं भी चला लेती हूँ, मैं भी मंगा लेती हूँ, तो मैंने एक ये डिओ मंगाया है फॉग का, और मैंने गर्मियों को ध्यान में रख के दिया के लिए मंगाई है बोरोलिन की एंटीसेप्टिक सुथोल स्किन हाइजीन लिक्विड, ये सबके घरों में जिनके घर में बच्चे या फिर बड़ों को भी अगर घमोरियों की दिक्कत है तो रखना चाहिए, नीम इंग्रेडिएंट के साथ ये आता है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, रैशेस की प्रॉब्लम है, या फिर कई बार माइनर कट की भी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे लग जाता है, तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ जो है आफ्टर शेव आफ्टर वैक्सिंग आफ्टर थ्रेडिंग और जल जाता है मच्छर काट जाता है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं तो स्पेशली घमोरियों के लिए रैशेस ईचिंग के लिए मंगा के ज़रूर रखती हूँ, तो ये मंगाया है मैंने। साथ ही साथ मैंने एक मंगवाया है ब्लू हेवन का ये लास्टिंग मेकअप फिक्सर, गर्मियों का टाइम है मेकअप करोगे इधर का उधर हो जाएगा पसीने की वजह से, तो फिक्स होना मेकअप का बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो ये भी मंगा लेते हैं, आगे शादियों का सीज़न शादियों का टाइम आने ही वाला है, तो ये मैंने मंगवाया है, कुछ इस तरीके से इसकी बॉटल है, ये आउटर पैकेजिंग है, ये इनर पैकेजिंग है, और 5 सेकेंड में क्योंकि ड्राई हो जाता है, स्प्रे करना है बस आपको मेकअप पूरा करने के बाद, आपका मेकअप जो है फिक्स हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे आप लोग भी, तो ये मैंने मंगवा लिया है। और मैंने मंगवाया है एक ये ममाद का चेरी टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम, तो गर्मियों में लिपस्टिक डार्क डार्क लगाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ लाइट सा लगा लो, तो मैंने कहा चलो ये भी मंगाते हैं, न्यू एकदम लॉन्च हुआ है तो मैंने कहा मंगा लेते हैं, 12 आवर का मॉइस्चराइजेशन देता है, 100% नेचुरल है, मेड सेफ है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कलर बहुत अच्छा है, जो मैंने इस टाइम लगा रखा है ना ये वही है, ये देखो मॉइस्चराइज तो करेगा आपके लिप को और हल्का सा आपको चेरी वाला जो है कलर भी देगा, तो मंगा सकते हो अगर आप ज़्यादा डार्क डार्क लिपस्टिक या ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करते गर्मियों में, तो आप ये लिप बाम मंगा सकते हो ममाअर्थ का, ममाअर्थ की चीज़ें आपको पता ही बहुत अच्छी होती हैं, तो अच्छी होती है, तो मैंने 2 चीज़ें और मंगाई है स्पेशली गर्मियों को ध्यान में रख के, ममाअर्थ का ये मंगाया है मैंने ऑयल फ्री फेस वॉश, तो ये जो है एक्नी प्रोन की प्रॉब्लम जिसको होती है, ऑयली फेस जिसका होता है उसके लिए है, और गर्मियों में तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा चिप चिप लगता है अपना फेस, तो मैंने उसके लिए स्पेशली मंगाया है, इसके अंदर आपको एप्पल साइडर विनेगर और स्लाइसैलिक एसिड मिल जाता है तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ सेम इसी का मैंने ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर मंगाया है, मेरी गर्मियाँ जो है बहुत अच्छे से कटने वाली है और मेरी गर्मियों की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई है थोड़ी बहुत अमेज़ॉन से, आप भी अगर मंगाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, और शॉपिंग मेरी अच्छी लगी बताइएगा मुझे कमेंट करके, आप भी लेना चाहते हो तो सीधा लिंक पे क्लिक करके ले सकते हो, हॉल स्टोर का लिंक भी है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स देखिए नेहा के घर पे छोटा बेबी आया है तो हमारे घर पे भी आ गया है, नेहा को सोना को गोदी में लिए देखती है ये वीडियो कॉलिंग पे, तो इसको भी शौक चढ़ता है, तो ये छोटा सा अपना ये डमी बेबी जो है ये तौलिए में लपेट के घूमती रहती है, नानी के घर आती है तो साथ में लेकर आती है और मामा के पास लिटा के जा रही है कि मेरी बेबी का ध्यान रखना, मैं मार्केट जा रही हूँ और बिल्कुल रेडी है देखो मार्केट जाने के लिए, खुद की पसंद के कपड़े पहने हैं इसने आज, मैं इसको बोल रही थी कम्फर्टेबल से फुटवेयर पहन लो किट्टो जो आती है, लेकिन इसने ये थोड़ा सा हाई हील्स ही पहनी है, मैंने कहा चलो कोई नहीं पहनने दो क्योंकि छोटी बहुत जल्दी हो जाती है इसकी ना, पूरा साल भर भी नहीं चल पाती, लेकिन ये वाली जो इसने फुटवेयर ली है ना ये इसने काफ़ी ज़्यादा पहनी है और चलने फिरने में भी ना जैसे इसका कभी पैर नहीं हुआ, बहुत कंफर्टेबल सी है, मैं मार्केट
जा रही हूँ और एड्स भी मैंने मार्केट में जाके कुछ शूट नहीं किया कुछ भी। तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से आ गई हूँ, बहुत देर पहले आ गई थी। मार्केट में जाके मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती, सोच के तो जाती हूँ ये सब कुछ दिखाऊंगी खरीदते हुए भी लेते हुए भी, बट नहीं कुछ भी शूट नहीं किया। और क्या लेकर आई हूँ वो मैं कल की वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अभी मुझे फिर से मार्केट जाना है, आटा ख़त्म हो गया, आटा लेकर आऊँगी, बनाना लेकर आऊँगी बच्चों को बांटने के लिए, देखती हूँ कुछ मिलता है बांटने के लिए तो वो भी लेकर आऊँगी, फ्रूटी या फिर मैगी वैगी जो भी है पैकेट वगैरह वो लेकर आना है। और बस आज का मतलब दिन मेरा छोटा सा था और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। अभी खाने की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है मार्केट से आते ही, पूजा भी करनी है सप्तमी की और आलू बॉयल हो चुके हैं, पूड़ियाँ बनाऊँगी कुट्टू के आटे की, कचौड़ी बोलते हैं कचौड़ी बनाऊंगी कुट्टू के आटे की। तो बहुत सारा काम है आज। और कल मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी अपनी नौकरी के बारे में आप लोगों को, तो मैं पहले टीचिंग करती थी, मैंने आप लोगों को बताया है मैंने 7 या 8 साल जो है टीचिंग की है बहुत अच्छे से लगातार, और मेरे काम से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मेरे को फिर से उसी जगह से ऑफ़र आया जहाँ पर मैं टीचिंग करती थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे ऑफ़र की, और मैं फिर भी सोच रही हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि जो पैकेज था ना पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था और अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है उसमें। मैंने पैकेज के बारे में पूछा था अपना सैलरी का, तो फिर देखते हैं। मम्मी तो कह रही है कि कर लो, टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है, पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा निकल जाएगा आधा दिन, मम्मी तो ये बोल रही हैं। लेकिन मैं फिर भी सब चीज़ें देख के करूँगी, क्योंकि मैं पहले वाली बात नहीं रही, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। पहले भी जब मैं जॉब करती थी तो उस टाइम तो पापा के राज में जॉब करती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी पैसे की, तो उस टाइम भी मैं जो कमाती थी वो ऐसे ही मेरे ऊपर मैं खर्च कर लेती थी, अपनी चीज़ें खरीद के लिए आती थी, कॉलेज में थी तो आना जाना जो भी होता था और मतलब जोड़ती थी, घर में खर्च नहीं होते थे पैसे बिल्कुल भी, मम्मी वगैरह कोई नहीं लेता था पैसे, वो मैं जोड़ती थी अपने ऊपर खर्च कर लेती थी, तो पैसे वाली बात तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। बस मम्मी कह रही है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग जो है वो थोड़ा शांत रहेगा, डाइवर्ट हो जाएगा, बच्चों में बिजी हो जाएगी, लेकिन मैं पहले की तरह एक्टिव नहीं हूँ, मुझे पता है मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने बोला है जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने उन्हें बोला है कि अभी देखिए एक महीने स्कूल चलेगा, फिर उसके बाद छुट्टियां का गैप हो जाएगा, छुट्टियों की सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट स्कूलों में, तो मैंने कहा देखती हूँ उसके बाद अगर मुझे कंटिन्यू करना होगा मैं बताऊँगी आपको। तो उन्होंने बोला है बिल्कुल बताना, वो बोल रहे थे कि मैं तो शैंकी से भी बात करने वाला था इस बारे में जॉब के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो देखते हैं करते हैं या नहीं करते। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये न्यूज़ सुन के कि मुझे फिर से स्कूल में जो है टीचिंग के लिए ऑफ़र आया है, और मैं भी खुश हूँ आप भी खुश हो जाते हो मेरी हर खुशी में। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, फैमिली का, बच्चों का और ख़ास तौर पे बड़ों का।